गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट फॉर क्लास 12th। और नेक्स्ट टॉपिक इज एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम। हम गॉस थ्योरम की न्यू एप्लीकेशंस करेंगे, जिसमें हम 4 और 5 एप्लीकेशन स्टडी करेंगे। सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट ट्रिक जो आपको बता रहा हूं, वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे पहले हमने क्या सपोज करना है, एक गॉसियन सरफेस। उसके बाद हमने जो दूसरा होता है वो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड और गॉसियन सरफेस की जो एरिया वेक्टर होगा, उन दोनों के बीच में हमने एंगल देखना होता है। क्या देखना होता है? एंगल। और फिर हम पूरी की पूरी एप्लीकेशन को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले गॉसियन सरफेस क्या होता है? एनी हाइपोथेटिकल क्लोज्ड सरफेस, यानी हाइपोथेटिकल होता है, एक्चुअली में एग्जिस्ट नहीं करता। हम सपोज करते हैं, अपने अकॉर्डिंग सपोज करते हैं, लेकिन होना कैसा चाहिए? क्लोज सरफेस होना चाहिए। इनक्लोजिंग ए चार्ज, जिसने उस चार्ज को इनक्लोज कर रखा है, उसे हम बोलते हैं गॉसियन सरफेस। लेट्स स्टार्ट विद फर्स्ट एप्लीकेशन। फर्स्ट एप्लीकेशन इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर। हमने क्या सपोज किया है? लेट ए इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर हैविंग लेंथ एल, एल इनफाइनाइट लेंथ है, एंड लैम्डा लीनियर चार्ज डेंसिटी ऑफ कंडक्टर। अगर हम प्रीवियस थोड़ा सपोज करें तो मैंने आपको 3 टाइप्स की चार्ज डेंसिटीज करवाई थी। पहली लीनियर चार्ज डेंसिटी आपको बताया था, लाइन के लिए होगी, 1 डायमेंशन के लिए। दूसरा सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी। तीसरा हमने डिस्कस किया था रो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। तो यहां पर हम क्या बात कर रहे हैं? लैम्डा लीनियर चार्ज डेंसिटी। और लैम्डा किसके इक्वल होता है? क्या वो अपॉन एल के इक्वल होता है, चार्ज पर यूनिट लेंथ। नाउ सेकंड हमने क्या करना है? गॉसियन सरफेस सपोज करना है। तो हमने इस स्ट्रेट लाइन के अकॉर्डिंग एक सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस है वो कंसीडर किया है। वी हैव कंसीडर ए सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस। उसके बाद हमने क्या करनी है? एरियाज कंसीडर करने हैं और उनके एरिया वेक्टर देखने हैं। इस इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर के लिए हमने 3 एरियाज कंसीडर किए हैं, S1, S2 एंड S3। S1 का एरिया वेक्टर इस तरफ है, DS1 वेक्टर। S3 का एरिया वेक्टर इस तरफ है, DS3। और S2 का एरिया वेक्टर है वो हमारा इस तरफ है, DS3 वेक्टर। नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है इनफाइनाइट स्ट्रेट लॉन्ग कंडक्टर के लिए? पहले भी हमने डिस्कस किया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो पैरेलल होंगी, डायरेक्टेड पैरेलल एंड आउटवर्ड होगी। इस लाइन के लेफ्ट और राइट साइड में इस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बनेगी। ओके, अब बात करते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स की। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है क्लोज सरफेस इंटीग्रेशन ई वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर। हमने इस सरफेस के लिए कितना एरियाज लिया है? S1, S2 एंड S3। तो हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या आ गया? क्लोज सरफेस इंटीग्रेशन S1 E dot DS1 वेक्टर प्लस क्लोज सरफेस इंटीग्रेशन S2 E dot DS2 वेक्टर प्लस क्लोज सरफेस इंटीग्रेशन E dot DS3 वेक्टर। जो 3 एरियाज हमने कंसीडर किए हैं उनके अकॉर्डिंग हमने इसके इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू निकाली है। अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है? E dot DS क्या होता है? E dS cos of थीटा। E vector dot DS vector को हम क्या लिख सकते हैं? E dot DS cos of थीटा। और थीटा क्या होता है? एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। S3 की बात करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरफ जा रही है? ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड है और S3 का एरिया वेक्टर ऊपर की तरफ है, तो एंगल हमारा कितना हो गया? 90। S2 की बात करते हैं हम सबसे पहले, ये हमारा DS2 वेक्टर है और हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरफ है? इस तरफ, तो इसके बीच में एंगल कितना हो गया? 90 डिग्री। नाउ फॉर एरिया S1, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इस तरफ है, हमारा DS वेक्टर भी इस तरफ है, दोनों पैरेलल है, यानी थीटा क्या आ गया हमारा इस केस में? 0 डिग्री। तो हमने फिर से सॉल्व किया, Φ is equal to ES dot cos of थीटा। फर्स्ट केस के लिए थीटा 0, सेकंड केस के लिए हमने क्या देखा? इलेक्ट्रिक फील्ड और डीएस वेक्टर में एंगल 90। थर्ड केस के लिए हमने क्या देखा? फिर से एंगल क्या है? 90 डिग्री। और हमें पता है कॉस ऑफ 90
क्या होता है जीरो, इट मीन ये दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गए जीरो। नाउ फाई क्या रह गया, ई क्लोज सरफेस इंटीग्रेशन डीएस वेक्टर, यानी ये वाला एरिया जो है, और ये एरिया कौन सा है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ द सरफेस। तो हमारा फाई ई किसके इक्वल आ गया, ई डॉट टू पाई आर एल, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है टू पाई आर एल। नाउ अप्लाई द गॉस थ्योरम, फाई ई गॉस थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या होता है, क्यू अपॉन एप्सिलॉन, और क्यू कितना है इस पर, इस इक्वेशन से लैम्डा इसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी है, तो क्या होगी इज इक्वल टू आ गया लैम्डा इनटू एल। नाउ फ्रॉम इक्वेशन वन एंड टू हमने सॉल्व कर लिया, ई की वैल्यू क्या आ गई लैम्डा अपॉन टू पाई एप्सिलॉन नॉट आर, टू पाई एप्सिलॉन नॉट आर। हम क्या देखते हैं, ई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वन बाय आर, और इसकी वेरिएशन है वो इस तरह से आएगी। एक बार फिर से बता देता हूं, टॉपिक है एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम के एप्लीकेशन सॉल्व करने के लिए हमें क्या चाहिए, सबसे पहले गॉसियन सरफेस, एनी हाइपोथेटिकल सरफेस जिसके अंदर चार्ज होता है वो हम अपने अकॉर्डिंग रखते हैं कि सरफेस है वो लीनियर, वो हमने सिलेंड्रिकल लेना है, स्फेरिकल लेना है, या किस टाइप का लेना है। उसके बाद हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालते हैं सभी सरफेसेस के लिए, फिर हम इलेक्ट्रिक फील्ड और डीएस वेक्टर के एरियाज कंपेयर करते हैं, जहां पर एंगल कंपेयर करते हैं, जहां पर एंगल 90 है वो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाएगा, और फिर हम गॉस थ्योरम अप्लाई करके सॉल्व कर लेते हैं। थैंक यू एंड हैव ए गुड डे।